सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मन और मकान वक्त वक्त पर साफ करना जरूरी है, वरना मकान में बेमतलब सामान और मन में गलत फहमियाँ भर जाती है। नियत साफ और मकसद सही हो तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। मौसम बदले ना बदले, हमें उम्मीद की कम से कम एक खिड़की तो खुली रखनी चाहिए। आज का पंचांग 16 जून 2024 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, सुबह 4:43 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 11:12 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:29 से 7:10 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर रात्रि 12:35 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 16 जून 2024 दिन रविवार, आज आपकी किस्मत आपके साथ है। आप अपने समस्या को सुलझा लेने की कुशलता से सबको अचरज में डाल देंगे। सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे, आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा और आपको एक नया काम मिलेगा। खुश रहें और अपनों के साथ खुशी बांटें। आज कोई दोस्त मिल सकता है। दिन कुल मिलाकर मजेदार रहेगा। छानबीन और मूल्यांकन का समय बीत चुका है। अगर आप अनसुना या नाकामयाबी महसूस कर रहे हैं तो शांत रहें। आपकी मेहनत को नोटिस किया जा रहा है। जहाँ आपका काम संतुलित है वहीं व्यक्तिगत जीवन जटिल हो सकता है। जो रिश्ते तनाव पैदा कर रहे हैं उन्हें समाप्त करना ही बेहतर है। आजकल दुनिया की रफ्तार बहुत तेज है, ऐसे में स्वयं को देखें और विचार करें। अपनी आंतरिक प्रतिभा और शक्ति को खोजने के लिए समय शुभ है। किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले याद रखें कि भाग्य आलसी लोगों का नहीं बल्कि साहसी लोगों का साथ देता है। सेहत की तरफ थोड़ा ज्यादा गौर करने की जरूरत है। आज आपको अपना धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि घर का कोई बड़ा आज आपको धन दे सकता है। घर में तालमेल बनाए रखने के लिए साथ में मिलकर काम जरूर करें। आज अपने प्रिय को माफ करना ना भूलें। टैक्स और बीमे से जुड़े विषयों पर गौर करने की जरूरत है। अपने जीवन साथी की गुस्से से आप आज परेशान हो सकते हैं, लेकिन वह आपके लिए कुछ बढ़िया ही करने वाला है। इन दिनों में आप काफी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप काम टालते रहेंगे तो खुद पर ही खींच पैदा होने लगेगी। निर्धारित किए गए कार्य तथा समय पूर्ण होते जाएंगे। घर का माहौल अनुशासित रहेगा। दूसरों की मदद करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में आपका विशेष योगदान रहेगा और ऐसा करके आपको खुशी भी मिलेगी। काम की गति को तेज करने की आवश्यकता होगी। फिलहाल के समय में आपको आर्थिक लाभ आसानी से प्राप्त हो सकता है। जीवन शैली में कुछ बातों में बदलाव लाकर कौन सी बातें आपको स्थिरता की ओर ले जाएगी उनका चुनाव करना जरूरी होगा। परिवार के हर एक व्यक्ति को आपसे मदद की अपेक्षा हो सकती है। काम के साथ परिवार पर भी ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपेक्षा के अनुसार बड़ा ऑर्डर प्राप्त होगा। अटके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। पार्टनर के साथ चर्चा किए बिना किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक व्यवहार परिवार के लोगों के साथ ना हो, इस बात का ध्यान रखना जरूरी होगा। सर्दी की वजह से सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव भी नजर आएगा। सावधानियां, किसी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। साथ ही अपनी उपलब्धियों की खुशी में लापरवाह होना ही उचित नहीं है। आय के साधन तो बढ़ेंगे परंतु साथ ही खर्चों की अधिकता रहने के कारण सेविंग नहीं हो पाएगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आप चाहते हैं कि कोई आपको बहुत प्यार और दुलार करे। आपकी यही इच्छा आपको असुरक्षित और डिमांडिंग दर्शा सकती है। आज आप बच्चों जैसा व्यवहार करेंगे और अपने पार्टनर को अपने अफेयर को निजी स्तर तक सीमित रखने को कहेंगे। यह काफी मुश्किल है क्योंकि आप दोनों एक ही जगह काम करते हैं। उस मुश्किल स्थिति का अंदाज
उस मुश्किल स्थिति का अंदाजा लगाएं जिसमें आप अपने पार्टनर को डाल रहे हैं। प्रेम जीवन में रोमांस की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप दोनों की समझदारी और सूझबूझ ही काफी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बनी हैं, इस बात पर पूरा विश्वास करें। बॉस और वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी खुशी में बस आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने आप को कुछ आराम देने के लिए आज का समय बेहतरीन है। आपकी भावनाएं आपको हमेशा अपने चाहने वालों से जोड़े रखती हैं और यही कारण है कि आप अपनी हर परिस्थिति को बखूबी निभाते हैं। जो लोग एक तरफा प्यार में हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। जिसे आप चाहते हैं वो स्वयं आपसे प्यार का इजहार करेगा। बात करते हैं करियर की। यह समय सार्वजनिक मामलों से दूर रहकर अपने करियर के विस्तार के बारे में सोचने का है। आपकी सच्चाई और मेहनत का परिणाम व पुरस्कार आपको आने वाले दिनों में मिल सकता है। बड़े निगम या सरकारी एजेंसियों से भी अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। अपने मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करने के लिए कुछ समय निकालें। इसके साथ ही आत्मनिरीक्षण के लिए भी यह सही समय है। इससे आपकी ताकत और प्रतिभा को फिर से खोजने में आपको मदद मिल सकती है। अपने भविष्य के लिए योजना बनाते समय अपने ध्यान को केंद्रित करें। परिवर्तन से ही आपका विकास संभव है। आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इन बातों से लिप्त ना हों, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। लोग इसे एक अपराध के रूप में लेंगे और हमेशा के लिए आप अपना विश्वास खो सकते हैं जो इतने सालों से आपने अपने लिए बनाया है। इसीलिए इस तरह के कृतज्ञ से दूर रहें और बस आप अपने हर कार्य में ईमानदारी का प्रदर्शन करें जिस तरह से आपने हमेशा से किया है। व्यावसायिक मामलों को लेकर कुछ समस्याएं रहेगी। अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को लापरवाही में न लें। पार्टनरशिप करने का प्लान है तो पहले उसके सभी पहलुओं पर उचित सोच विचार कर लें। वर्किंग महिलाएं इस समय फायदे की स्थिति में रहेंगी। बात करते हैं सेहत की। कई सारी विशेष घटनाएं और ऑफिस की पार्टियां आपके पाचन को खराब कर सकती हैं और फिर आपको अपने आसपास फिट और स्वस्थ लोगों को देखकर ईर्ष्या भी होगी। अपने अंदर नकारात्मकता न आने दें। खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप खुद से नियमित वर्क आउट करके ऐसा ही सेहत हासिल कर सकते हैं। मिठाइयों और तैली खाने की मात्रा को कम करके आप अपनी सेहत को बिगड़ने से बचा सकते हैं। आज का उपाय, आज अब उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाए शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।